मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? आपकी बकवास कोई शायरी है? पड़ गए घूम तो बेरोजगारी के पीछे लठ लेके। जनाब, शायरी नाम है नजाकत का, गुलो बुलबुल पे शेर कहिए। जवाब नहीं है आपका। जाम और सुराही पे शेर कहिए। सुराही दार गर्दन का शेर कहिए, किसी बांह की चितवन का शेर कहिए। चुबे, आप शायरी करते हैं या हजामत? मीर और मोमिन को पढ़ाया आपने? पढ़ाया आपने? जी उन्हें भी पढ़ा है और जोश और फैज को भी, जो आपकी समझ से बाहर है। लाइए मेरी नजमें।
होंगी यहीं कहीं, ले जाना फुर्सत के वक्त। लाहौल बिला कुवत, ये कैसी बेतकल्लुफी, धुने डाल रहे हैं आप मेरे कागजात, धुनिए का असर तो नहीं है आप, ये क्या? तो आपने मेरी नजमें यहां रख छोड़ी हैं, इन्हें वहां फेंकने वाले आप कौन होते हैं? इस खुराफात को मैं इसमें ना फेंकता तो क्या आपने सर पे रखता? मेरी नजमें किसी खोखले सर पे रखी जाए ये भी उनकी बेइज्जती है। आए मेरा सर खोखला? ये खोखली आपकी खोपड़ी है, अगर आप शायर हैं तो मैं गधा हूं। जी अगर आप अपनी तारीफ ना भी करते तो भी मैं पहचान जाता। भैया जी भाजी तौल रहे हो या सोना? एक बैगन और डालो। ए चलो जाई रवि काका पीछे आओ मान बेटा, माँ तो फिर दुश्मन नहीं, इस तरह क्यों भागा जा रहा था? माँ मैं कहाँ था इतने दिनों तक? बेटा मुझ विधवा से तेरा दुख और नहीं देखा जाता। मैं अच्छा था माँ? हाँ क्यों नहीं, जब भी तो अपनी ऐसी हालत बना रखी। चल घर चल, मैंने तेरे लिए कुछ कुछ पकवान छुपा रखे हैं। चल बेटा चल। क्यों विजय की माँ, मिल गया बेटा? हाँ विश्व की माँ मिल गया। चल बेटा। कितना होनहार लड़का था विजय, और क्या हालत बना ली है इसने अपनी। सुना है कविता के पीछे दीवाना है। क्यों माँ, आ गया तुम्हारा कालिदास? शायरी खेती समझकर सब गधे चरने लगे। बोर्दा और कहा जाए, पराई रोटियां तोड़ने को इसे और कौन सा घर मिले। तू उनकी कुछ ना सुन बेटा, ले चुपचाप खा ले। देखा बोर्दा, कमाई थमाई हम दोनों की, और माँ पकवान खिला रही है अपने उस लाडले को। मैं तो खाने वाले की बेशर्मी की दाद देता हूँ। कोई गैरत वाला होता तो इस घर के पकवान खाने के बजाय सड़क की धूल फाँकना कहीं बेहतर समझता। चुप रहो तुम दोनों, अब उसके लिए एक अक्षर भी मुंह से निकाला तो मुंह न सुनूंगी तुम दोनों का। इतने दिनों बाद मेरा बेटा भूखा पैसा घर लौटता है तो उसका चैन से दो कौर खाना भी तुम्हें खटकता है? क्यों ना खटके, हाथ पैर वाला है, खुद कमा धमा के खाए, हमारे टुकड़ों में क्यों पड़ा हुआ है? बेशर्मा तुम्हारा सगा भाई है वो, बाप के मरने के बाद तुम उसके बाप की जगह हो। माता जी बाप की जगह बाप के दोम के साथ गई, माँ बाप से हमने तो नहीं कहा था कि इसी निखट्टू औलाद पैदा करे। आज बेटों से मुझे ये भी सुनना था, मेरे नसीब फूटे थे कि तुम दोनों मेरी औलाद हो। तुम्हारी इज्जत के लिए मैं पड़ोसियों के बर्तन भी नहीं मांग सकती, वरना मैं वो भी करके अपने बच्चे का पेट भर सकती थी। भाभी मेरे नज़मों की फाइल कहाँ? औरतों को क्या दीदे दिखाते हो, मुझसे बात करो मुझसे। मैंने वो रद्दी दस्ताने में बनिए को बेच दी। आने में मेरी नजमे रद्दी में बेच डाली। आप जैसा जाहिल उन्हें रद्दी समझेगा। क्या कहा? जाहिल? मैं जाहिल?
सुना बोलता आपने? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जाहिल कर? सवेरे तो तेरी रस्ती उठा के घर से फेंकी और तुझे इस घर से भाग दूंगा। निकल जा। बेटा, भूखा पैसा तू कहाँ जाएगा? मेरी देखभाल कौन करेगा मेरे ला? मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी, एक पल नहीं रहूंगी मेरे बच्चे। तो फिक्र न कर माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं जैसे भी कोई इंतजाम कर सका तुझे यहां से ले जाऊंगा। विजय भैया, मैं सुबह से शाम तक धंधा करूं या ये रद्दी का हिसाब किताब करता फिरूं? पर भैया, उस रद्दी में दो चार बड़ी जरूरी कॉपियां थी। कॉपियां? हाथ की लिखे हुई? हाँ हाँ, कहाँ है वो? उन्हें तो एक औरत खरीद के ले गई। खरीद कर ले गई? हाँ हाँ, सौदा खरीदने आई थी, कॉपियों पे जो नजर पड़ी गौर से देखा और ले गई खरीदी। कौन सी औरत भैया, कहाँ रहती वो? ये मैं क्या जानू, किसी दूसरे मोहल्ले की थी। विजय भैया, अब के वो आएंगी तो मैं ख्याल रखूंगा। आइए आइए, आज भाइयों ने फिर प्यार किया तुम्हें। भूखे हो? तू हमेशा यूं ही भूखा मरेगा। मुझे देख, आज एक सेठिया से 200 रुपए यूं चेत कर लिए मैंने। कैसे? अपनी कार से गुड़िया की टांग तोड़ दी थी उसने, बस झूठी गवाही दे दी। याद है शाम, बचपन में टांग टूटी एक चिड़िया देखी थी तुमने। 7 दिन तक मलम पट्टी करके तुमने ठीक किया था उसे। अबे तब मैं बच्चा था। लेकिन तू तो अब भी बच्चा है। मैंने कहा जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बनी गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बनी गई। जाने क्या तूने Thank you.
जान क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। सुनाइए। कुछ देर पहले जो आप गुनगुना रही थी वो पसंद आया तुम्हें? वो गीत आपको कहाँ से मिला? मेरा है। मैं कहता हूँ गीत आपका नहीं है। जानते हो तो फिर पूछते क्यों? इसलिए कि मुझे क्या चाहिए? वो फाइल जिसमें से आपको वो गीत मिला। बस और कुछ है? देखिए मुझे बेतु का मजाक पसंद नहीं। मैं पसंद हूँ? जी नहीं। तो फिर अभी तक मेरे पीछे पीछे क्यों आए? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ वो आपके पास फाइल है या नहीं। वो मेरे लिए बहुत कीमती है। जब भी मेरे पास पैसे हुए मैं। अच्छा, तू खाली हाथ आया है मेरे पीछे? इस कोठे को खाला जी का घर समझा है क्या? कल निकल यहाँ से। देखो तुम समझती क्यों नहीं, मुझे सिर्फ फाइल चाहिए। फाइल, फाइल के मेरे लिए वो बहुत कीमती है। और निकल यहाँ से। तू जाता है या उतारो अपनी जूती। निगोड़ी चिल्लाती क्यों है? नया पंछी है, घबरा के उड़ ना जाए। देख तो सही कहाँ के भूखा लग जाते हैं पीछे। लुभा के यहाँ तक लाई तो पता चले। वही था ए। गुलाबो, क्या हो गया है तुझे? इस तरह कहाँ उड़ी जा रही है? मैं उसे रोकने जा रही हूँ जूही, इसे माफी मांगने। मैंने बहुत बुरा सलूक किया उसके साथ। ए भाई, ये पहलियां बुझाना छोड़ो, सफा सफा हिंदुस्तानी में बात कर। ये सब क्या गड़बड़ है? वो जो मेरे पीछे आया था वो शायर है जूही, वही शायर जिसकी नज़में मैं रद्दी वाले से लाई थी। ये देख, वही लिखाई, वैसा ही कागज। जूही, मैंने उसे भुक्कर समझ के यहाँ से निकाल दिया। ए? भुक्कर था ना? आए, तू उसे निकालती नहीं तो क्या गले लगाती? अरे उस्तादों की सारी तालीम पे पानी फेर दिया है तूने। चल चलो पर चल। अरे हाँ विजय, इन छुट्टियों के दिन में कोई नई गजल वजल कही? हाँ यार, कही है दो चार। अरे सोच विचार के तो सभी कह लेते हैं। फिलपति कहो कोई चीज। एक्सटेम्पो, तब माने हम तुम्हें शायर। एक्सटेम्पो फिलपति? हाँ कहो, कह डालो।
कहूं किस चीज पे? किस चीज पे? अरे हाँ? कौन है ये? अरे पूछता क्या है यार, मिश्रा तेरा हाजिर है जालिम, कह डाली सी पे कुछ। जब हम चलें तो साया भी अपना न साथ दे, जब तुम चलो जमीन चले या आसमान चले, जब हम रुके तो साथ रुके शामे बेकसी, जब तुम रुको बहार रुके चांदनी रुके। लर्निंग योर पोएट्री लेसन हुई है? यस सर। नो सर। मिस्टर डेविड। यस सर। मिस शोभा। यस सर। मिस पुष्पलता। मिस पुष्पलता। यस सर, मैं आ गई। ओ सॉरी। मिस सिन्हा। यस सर। मैं
राम राम राम, क्या हालत हो गई इस दुनिया की? अरे पढ़े लिखे लोग भी खुली की निकल रहे हैं। ए बाबू साहब, पैसे लायो, आज उधार नहीं मिलेगा। ये तो खोटा है। हाँ हाँ खोटा है, दूसरा है पास या नहीं? अच्छा तो ये चाल थी, जानबूझकर खोटा रुपया लाए थे। खाना मंगवा कर जो प्लेट झूठी कर दी उसका दाम कौन चुकाएगा? दाम चुकाओ नहीं तो कोर्ट कमीज उतार लूंगा, समझे? छोकरा ले जाओ प्लेट, रखो खाना वहीं। ये ले अपने दाम, बाकी के पैसे किसी हज्जाम को दे देना, शक्ल इंसानों जैसी कर देगा तेरी। चल जाए यहां से। खाना खाओ तुम। भूख नहीं है मुझे। है कैसे नहीं, लो खाओ। आपको मुझ पे तरस खाने का कोई हक नहीं। माफ कीजिएगा, मेरी नाराजगी का बुरा न मानिएगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें नाराज होना भी चाहिए। उस दिन मैंने बहुत बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर खाना खा लो, तुम्हें मेरी कसम। आप अपनी कसम क्यों देती हैं मुझे? आप मुझे ठीक तरह जानती भी तो नहीं। खूब जानती हूँ। कैसे? तुम्हारी नज़मों और ग़ज़लों से। जब तुम्हारे ख्यालात और जज्बात को जान लिए तो अब जानने को क्या बचाया? मैं आपको समझ नहीं सका। उस दिन तो आप, तुम बार बार मुझे आप क्यों कहते हो? कुछ अजीब सा लगता है मुझे। क्यों? आज तक लोगों के मुंह से मैं सिर्फ दूतकार ही सुनती रही हूँ अपने लिए, उनकी फिक्रेबाजियाँ और ताने सुनती रही हूँ, गालियाँ सुनती रही हूँ, गंदा मजाक सुनती रही हूँ, और तुम इतनी इज्जत से पेश आते हो मुझसे। तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश तेल मालिश, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए,
आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। प्यार का हो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। विजय बाबू अपने विजय बाबू बहुत अच्छे शायर हैं, मैं इन्हीं के गाने तो गा रहा था। विजय बाबू क्या चीज लिख के दिए, अरे जब से गाने लगा हूँ अपना बिजनेस डबल हो गया है। हाँ जाना नहीं है, मैं सेठ को खलास करके अभी आया। क्या कहा? जमेरो जमेरो। विजय बाबू आज सत्तार भाई आपकी पेशल मालिश करेंगे, और वो भी फोकट। नहीं भाई सत्तार, आजकल जमाने ने इतना मसल डाला हमें कि अब और किसी मालिश की जरूरत नहीं। ले कमाल है बाबूजी, मसले जाने के बाद भी मुस्कुराहट चेहरे पर। भाई बेवक्त दो ही चीजों को मगन देखा अपन ने, एक तो गर्मी में गधा और कड़की में चाय। ठीक है तो सत्तार, गर्मी चाहे मौसम की हो या दौलत की, सिर्फ गधे ही मगन रहते हैं उसमें। जी क्या कहा आपने? आप चमकी मत, गधे की बात हो रही है। Uh-huh.
है। जूही, तू मेरा इंतजार कर रही थी ना? किसी मोटर वाले का। मोटर वाले का? मालिश वाले का नहीं? नहीं नहीं, अल्लाह करे उसकी मोटर ही पंचर हो जाए। तेरा सर पंचर हो जाए। मेरा सर? जूही, ए जूही, नाराज हो गई? बकना जो बकना है। मैंने उसकी मोटर पंचर होने की बात कही तो तू उखड़ गई, और तूने जो मेरा दिल पंचर कर रखा है उसका कुछ ख्याल नहीं है। शीघ्र लगवा ले जाकर। मगर लगवाऊं किससे, घर वाली है कहाँ? तो मैं क्या करूँ? तू काजी खेल, चल चल हट मुए। सुना तुमने, हुनर भी दिया तो तेल मालिश, कोई 400 बीसी का धंधा ही सिखा देते तो आज हम लोग मोटर में घुमाते उसको। ओह मर गए, आपकी तारीफ। नारियल, समझ गया, अब नहीं बोलूंगा। क्या मेरा काम भी भूल गया? भैया जाने ना पाए, जरा पकड़ लेना इसे। अरे पाजी, भैया आपके हाथ से छूट गया तो सभा मिल का चक्कर लग पाएगा। खैर जा, भगा भगा के आधा कर दिया मुझे। क्यों रे पाजी, हैं कितने का? अरे विजय तुम, मैं तो पहचान भी नहीं सकी तुम्हें। कॉलेज में क्या शान थी तुम्हारी, और अब ये फटे मजनू बने किसके लिए फिर रहे हो? है, पीछे है नहीं छोड़ती। है? कौन है? बेकारी। ये बच्चे तुम्हारे ही हैं ना? अपने बाप के भी, ये गुल्लू वो फुल्लू, और बाप का नाम भी कुछ मिलता ही जुलता है। मिलता ही जुलता? हाँ। अरे हाँ याद आया, आज शाम को अपने पुराने कॉलेज में जलसा है, जितने अपने साथ पढ़ते थे वो सब आएंगे, तुम भी आना है। अरे अरे गुल्लू ठहर जा बेटा, देखा अब सवा मील की रेस फिर से चालू हो गई। अच्छा मैं चलूं गुल्लू। अरे तू कहाँ रह गया, तू तो चल 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 जल्दी। अच्छा भैया तुम आना मत भूलना, जल्दी आना। अरे गुल्लू ठहर जा। पीछे पीछे दुनिया है, आगे आगे हम बढ़ते ही जाते हैं कदम हर दम। कहाँ का सफर है किसको खबर है, हमको नहीं है कोई गम। ये भट्टाचार्य कहाँ चरने चला गया, अभी उसका प्रोग्राम था, कहाँ ढूंढू उसे। हाँ विजय, ये तुमने क्या ताक झांक लगा रखी है यहाँ से, चलो अंदर चलो। नहीं पुष्पा, मेरे कपड़े। कपड़े ये क्या है बदन पर, सर से पांव तक तो ढके हुए हो। आ चलो चलो अंदर चलो, आओ ना चलो, हटो हटो हटो, आओ ना, आइए आइए। सज्जनों एंड सजनियों, भट्टाचार्य जी तो आए नहीं, खैर ये बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात ये है कि विजय साहब तशरीफ ले आए हैं, और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो कोई अपनी अच्छी सी गजल सुनाएं। आइए विजय साहब, आइए ना विजय साहब, क्या तकल्लुफ कर रहे हैं आप, आइए। विजय, विजय कुछ सुनाओ ना, विजय विजय कुछ सुनाओ ना। तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम, तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम। ठुकरा ना दे जहाँ को कहीं बेदिली। जनाब खुशी के मौके पर क्या बेदिली का राग छेड़ा हुआ है, कोई खुशी का गीत सुनाइए। हम गमजदा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत, कहाँ से खुशी के गीत। देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, देंगे वही
जो पाएंगे इस जिंदगी से हम उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले अभी दिल के वलवले माना के दब गए हैं गमे जिंदगी से हम माना के दब गए हैं गमे जिंदगी से हम लो आज हमने तोड़ दिया लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता ए उम्मीद रिश्ता ए उम्मीद लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम सुनो यहाँ के तुम और स्टूडेंट हो ऐसे तुम कुछ काम काज भी करते हो काम की तलाश करता हूँ अच्छी खासी गजल कह देते हो शुक्रिया ये मेरा कार्ड है सुबह इस दफ्तर पे आ जाना मॉडर्न पब्लिशिंग हाउस आप वहां मैं वहां का मालिक हूं नमस्ते घोष बैठो ये मेरी नजमें तुम कॉलेज में किस साल थे सन 48 से लेकर सन 52 तक मैं ये नजमें पढ़ के सुनाऊं या आप खुद देख लेंगे उसी साल तो मेरी शादी हुई थी तुम साइंस स्टूडेंट थे या आर्ट्स आर्ट्स ये नज़्में सुनाओ तुम्हें ठीक याद है तुमने कॉलेज सन 52 में छोड़ा उससे पहले नहीं जी हाँ मिस्टर घोष मैंने नजमें छपवाने के में नौकरी करोगे नौकरी मेरा ख्याल था आपने ये मेरी नजमें छापने के लिए बुलाया था मुझे छापने के लिए उसके लिए अभी बहुत वक्त है पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान तो लूं मेरे बारे में मिस्टर चैटर्जी ये आपके नए असिस्टेंट हैं तुम कल से काम पे आ सकते हो नमस्ते नमस्ते हेलो मीना विजय Thank you.
आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से नींदे ही उड़ा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो रहे अब तक जिंदा था तुम्हें खुश देखने के लिए मैं बहुत कुछ शुक्रिया फिक्र न करो
मैं अपनी खुशी आप हासिल करना सीख गया या किसी दूसरी लड़की ने सिखा दिया? दूसरी लड़की एक ही बहुत थी मेरे जिंदगी में, मैं वो दर्द दोबारा नहीं मोल देना चाहता। यानी पहला दर्द बिल्कुल मिटा चुके अपने दिल से? मिटाना चाहिए था। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे ऊपर जाना है। भाई जी होटल बंद करने दोगी या नहीं? 3 घंटे से किसके लिए जमी हो, आया नहीं कोई? सुन तो, विजय बाबू यहाँ अक्सर आते हैं ना? हाँ, लेकिन कई दिनों से नहीं आए। कुछ संदेशा है उनके लिए? मैंने कहा वो छोकरा ही बचा था हौले हौले बात करने के लिए, हम भी तो हैं। ठीक से ढूंढ लिया आपने? ये कागजात कैसे हैं? हैं कुछ, विजय ने अपनी नजमें कहते हैं। ओ अच्छा, मैं पढ़ चुका हूँ, बड़ी अच्छी नजमें हैं। होंगी तो इन्हीं में से एक आध नजम छपवा दीजिए ना। होश तो ठिकाने हैं आपके जी? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी मैगजीन में सिर्फ मशहूर शायरों की चीजें छपती हैं, किसी नौसिखिए की बकवास नहीं। जाइए उस खाली जगह पर किसी साबुन का इश्तहार डाल दीजिए। यस विजय, तुम कुछ चाहते हो? जी हाँ, ये नौसिखिए की बकवास, ये मैं ले जा सकता हूँ? हाँ। विजय जी, तुम्हें कल शाम फुर्सत है? जी फरमाइए। मेरे घर में पार्टी है, तुम भी आ जाना हाथ बटाने। हाजिर हो जाऊंगा। देख रही है जो ये? क्या? जो मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा है? अरे जो तू देख कर भी नहीं देख रही। मुँह मैं तेरा थोपड़ा देख रही हूँ। अच्छा ले देख देख देख, कुछ हुआ दिल में? हाँ। होने दे होने दे, थोड़ा और होने दे। तेरी शक्ल देख के दिल में उलझन हो रही है। उलझन हो रही है या कुछ ए? जी नहीं। जूही तू अभी चाहे जितना बिगड़ ले मुझ पे, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि जब तू बुढ़िया हो जाएगी तो तुझे कौन संभालेगा? ऊपर वाला है। ले नाम मत ले ऊपर वाले का, वरना नारियल टपका के खोपड़ी बराबर कर देगा। देख सर की सलामती चाहती है ना, तो मेरी बात मान ले। तेरी बात मानू तो भूखी मर जाऊंगी। मुश्किल से तो 2 रोटी कमा कर लाता है, मुझे क्या खिलाएगा? तुझे तू दोनों रोटी खा लेना, मेरा पेट तो तुझे मेरे घर में देखकर ही भर जाएगा। सच्ची सत्तार? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार, तू मुझे इतना चाहता है? कब चलती है काजी के यहाँ? चल हट मुए। सुना ऊपर वाले? नहीं भाई कुछ नहीं।
नारियल है ही नहीं। आपके हस्बैंड नहीं आए आज? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कह रहे थे मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन मैंने उनको कल पे टाल दिया है। इतनी बड़ी पार्टी वाले मैं कैसे छोड़ सकती थी। शुक्रिया, ये तो आपकी जरा नवाजी है। कमला पप्पू को साथ नहीं लाए? नहीं। विजय, तुम्हें मेरा पता कैसे मालूम हुआ? तुम्हारा पता? तुम यहां रहती हो? हाँ, चलो बाहर चले। मिस्टर घोष ने मुझे यहां बुलाया। तुम्हें, यानी तुम उन्हें जानते हो? मैं उनका नौकर हूं। और तुम? मैं उनकी। इन तमाम शहरों में सबसे अच्छा शहर कौन है? यूं तो सभी शहर अच्छे हैं, लेकिन वो साहब जो काली शेरवानी में बैठे हुए हैं, दुनिया। देखो, उन्हें अपनी पिछली बातें बिल्कुल नहीं बताना, समझे? दुनिया उन्हें खुदा सुखन समझती। मैं अभी आता। मैं नहीं मानता किबला, अपनी शायरी से कौम वतन को तरक्की देना खोखली मोहब्बत के ढोल पीटने से कहीं बेहतर है। अजय साहिबान, छोड़िए इस नए पुराने के किस्से को। लीजिए, जाम हाजिर है। नौकरों के होते हुए तुम क्यों तकलीफ करती हो डियर? विजय, सोचते क्या हो, जाम दो। दादे गमे उल्फतून से हम क्या कहते, क्यों कर कहते, एक हर्फ न निकला होठों से और आंखों में आंसू आ भी गए। उस महफिल कैफो मस्ती में, उस अंजुमन इरफानी में, सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए, छल का भी गए, सब जाम बकब बैठे ही रहे, हम पी भी गए, छल का भी गए। काम आखिर जज्बे बे इख्तियारा ही गया, दिल कुछ सूरत से तड़पा, उनको प्यारा ही गया। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। भाई बहुत खूब गोज बाबू, बड़ा शुक्र नवाज है घर आपका, नौकर चाकर भी शायरी करते हैं। मैं जाकर खाने के इंतजाम करती हूँ। मियाँ, शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुर्दा, चुप क्यों हो गए? कहो कहो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने
जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का सा, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे, गम से अब घबराना कैसा गम सौ बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। भाई वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। सुभान मैं तुम्हीं से मिलने आई हूँ। मिस्टर घोष बोर्ड की मीटिंग में गए हैं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उस पार्टी के दिन से मैं बहुत परेशान हूं विजय, तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत है ना? नहीं मीना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नज़्म क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाग उठे। पिछली बातें भूल जाओ मीना। भूला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने, इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में? मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कब था, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करूंगी ना। मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरों बार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने मिस्टर घोष से ब्याह किया। यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया।
गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं, प्यार ही नहीं, भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम? उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दो मीना। तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही, चाहती हो क्यों? तुमने हमेशा अपना साथ दिया, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते वक्त तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं, और आज तुम अपने पति की खुशी छीनना चाहती हो? मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रख के हासिल की जाती है, और ये तुम कभी नहीं समझ सकते, इसलिए नाखुश हो। बहुत खूब, मेरी बीवी और एक बाजारी औरत में कोई फर्क नहीं। जरा सोच समझ के बातें करो, सिर्फ मामूली से जान पहचान थी हम दोनों की। धूल मत झोंको मेरी आंखों में, ये सिलसिला कब से चल रहा है? मैं कहती हूँ मामूली से जान पहचान थी हम दोनों की, और कुछ नहीं। नहीं। तुम यूं ना मानोगी, मैं अभी तुम्हारे चहीते को नौकरी से निकाल देता हूँ और फिर देखता हूँ कि तुम्हें उसका दर्द होता है कि नहीं। मेरे पैसे ला। हलाल की कमाई है मेरी, चल हट। बदमाश, निकाल मेरे पैसे। बदमाश, हवलदार। बहुजी, इस तरफ लड़की तो भाग के नहीं है? नहीं तो। ये लड़की कौन है? ये मेरी बीवी है। माफ करना बाबूजी, मुझसे गलती हुई। क्या नाम है तुम्हारा? अब कोई खतरा नहीं, तुम इत्मीनान से जा सकते।
लगा लो जन्म सफल हो जाए। आज सजन मुहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मुहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए। कई जुग से है जागे कहीं जिया नहीं लगे बिन तोरे। सुख दिख नहीं आगे ओ सुख दिख नहीं आगे दुख पीछे पीछे भागे जग सुन सुन लागे बिन तोरे। प्रेम सुधा मोरी सजन मुहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए। मुहे अपना बना लो बना लो मोरे बाह पकड़ मैं हूँ जन्म जन्म की दासी। मोहे अपना बना लो मोरे बाह पकड़ मैं हूँ जन्म जन्म की दासी। मोरी प्यास बुझा दो मन हर गिरिधर प्यास बुझा दो मन हर गिरिधर प्यास बुझा दो मन हर गिरिधर मैं हूँ अंतर घट तक प्यासी। प्रेम सुधा मोरी सवारियो सवारियो प्रेम सुधा इतनी पर साधो जग जल थल हो जाए। आज सजन मुहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मुहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए।
गुलाबो, वहां एक लखपति सेठ बैठा है मोटर में, चला। तू जा यहां से, मैं नहीं आऊंगी। आएगी कैसे नहीं, मैं जबान दे चुका हूं, चलो। छोड़ मेरा हाथ। तू यूं ना मानेगी, चले साथ। अबे टोपी उठा, ये तो सत्तार भाई का उल्टा हाथ पड़ा है, सीधा पड़ता ना तो मुंह चपाती बना देता इसका। बैठो बैठो, अब बैठो। ये पारक तेरे सत्तार भाई की स्टेट है, कोई भी चपड़ गंचू अगर तीन पांच करे ना तो मुझे आवाज दे लेना, ग्राहक छोड़ के आऊंगा। कहाँ पहुंच गई है भाई? तुमने कुछ कहा सत्तार भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला, कौन था कौन है? समझ गया। क्या ख्याल है, गई काम से? कौन है वो? कौन? अरे मुझे मालूम होता तो पूछता काय को। देख गुलाबो, खत का मजमू भाप लेते हैं पोस्ट कार्ड देखकर, और मालिश वाले कयामत की नजर रखते हैं। ये नजर का एक जगह जमा रहे ना, पड़ोस में बैठे हुए आदमी का न दिखना और कहीं भी बात का न सुनना, इस बात की निशानी है कि तुझे हो गई मोहब्बत। तेरे अरे खसक जाना भी इसी बात की निशानी है। सच सच बता, कौन है वो? एक शायर है। अरे वाह, अपना एक यार भी शायर है, क्या नाम है तेरे शायर का? विजय। ले, अपने भी यार का नाम विजय है, मैं उससे पूछूंगा ये दूसरा विजय कहां से अंटप का। सत्तर भाई, कहीं वो दोनों एक ही तो नहीं? अरे नहीं नहीं, हाँ एक भी हो सकते हैं, तू फिक्र मत कर, मैं उससे पूछूंगा ये क्या घपला है। भैया सब खैरियत तो है ना, आप लोग यहाँ कैसे? तुम्हें इसे मतलब? जाओ जी भर के आवारागर्दी करो, कोई मरे या जिए तुम्हें इसे क्या? कौन मर? किसका क्या काम करने आया था आप लोग? माँ का। माँ का? भैया भैया मत कहो हमें, उसी के दम से हमारा तुम्हारा वास्ता था, वो मर गई और तुम भी मर गए हमारे लिए। बेटा धोखा पैसा तो कहां जाएगा, तेरी देखभाल कौन करेगा मेरे लाल? मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं अब इस घर में एक पल नहीं रहूंगी, एक पल नहीं रहूंगी मेरे बेटे। मैंने कहा चुम्मो कुछ हो जाए ठुमके से, ताल मैं देता हूँ। हो क्या जाए, पहले अपने दोस्त को तो महफिल में शामिल करो। अरे जालिम अब तो पी ले, तुम्हारी कसम अगर ये मुझे कहे तो जहर भी पी जाऊं। मैं भी। शर्माते हैं बाबूजी। अजी हजूर पी भी लीजिए ना, आपको मेरे सर की कसम। अरे यार अजब आदमी है, आदमी है पैजामा ऐसा बैठा जैसे कि नानी मर गई हो। भाई नया रंग रूटे और सारी बोतल खराब कर डाली। वारे मेरे मिट्टी के शेर जवाब नहीं, तुमने कब से पीने के शुरू किए भाई? गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया।
ठुकरा रहा था। अच्छा, तो ये शायर भी हैं? शायर? अरे तू देखती नहीं उसकी कुछ पांच से नज़में उसके सर के पीछे पड़ी हैं। ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा गबे गया, मैं आज सब जहान को ठुकरा के पी गया। बच्चे को मार गोली, हम भी तो बीमार हैं तेरे, पहले हमारा इलाज करो बाद में बच्चे को समझना। ये ले उस्ताद जी, शुरू हो जाओ वहीं से। ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्क
आंखों की झनकार ये इस्मत के सौदे ये सौदों पे तकरार जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां ये मसली हुई अधखिली जर्द गलियां ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है उजले दरीचों में पायल की छन छन थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन वो उजले दरीचों में पायल की छन छन थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है ये फूलों के गजरे ये पीकों के छींटे ये बेबाक नजरें ये गुस्ताख फिक्रे ये ढलके बदन और ये बीमार चेहरे जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है यहाँ पीर भी आ चुके हैं जवां भी तनोमंद बेटे भी अब्बा मियाँ भी ये बीवी भी है ये बीवी भी है और बहन भी है माँ भी जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है मदद चाहती है ये हवा की बेटी यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी मदद चाहती है ये हवा की बेटी यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी पयंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है ¿Qué
विजय बाबू। कौन? ओ तुम गुलाब। मेरे साथ आओ विजय बाबू। फिर तरस खाने आए हो मुझ पे? आज मैं भूखा नहीं हूँ गुलाब, आज मैंने भूख को शराब में डुबो दिया है। बहुत पी है मैंने, जमाने की झड़कियां पी गया, सारे गम पी गया, सब कुछ पी गया। तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे? अंदर चले गए बाबू, मेरे घर, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाल संभल जाने के बाद चले जाना। हालत संभलने के बाद चला जाऊं? आप तो चले जाने के बाद ये हालत संभलेगी गुलाब। सब चले गए, नौकरी चली गई, माँ थी वो भी चली गई, हमेशा के लिए चली। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों जिंदा हूँ गुलाब? ऐसी बातें नहीं करते विजय बाबू, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी शायरी की जरूरत है। दुनिया को किसी की जरूरत नहीं, हमने अपने शायरी दुनिया तक पहुंचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन जानती हूँ दुनिया ने उसका क्या मोल लगाया। रद्दी के चंद टुकड़े जो 10 आने में बेचे गए, मेरी जिंदगी का मोल 10 आने है गुलाब, और तुम चाहती हो कि मैं 10 आनों के लिए जिंदा रहूं? ये हिम्मत न हारो विजय बाबू, जिंदगी के और भी तो सहारे हैं, मीना भी तो है। मीना? तुम उसे कैसे जानती हो? तुम्हारी नज़मों की फैल पे उसका नाम पड़ा था। कौन है ये मीना? मीना जगमगाती सोसाइटी की एक शरीफ औरत, जो अपने शौक के लिए प्यार करती और अपने आराम के लिए प्यार बेचती, लेकिन तुम उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? तुम्हें कभी उसमें दिलचस्पी थी ना, इसीलिए। यही तुम मुझसे? नहीं गुलाम, नहीं, मुझे बुला दो तुम। मैं आज तक किसी को सुखी नहीं कर सका। विजय बाबू, विजय बाबू, जूही, जूही। रिसाले में छापी है ना? क्यों छापू साहब, मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? आपकी बकवास कोई शायरी है? दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी शायरी। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ सिर्फ मशहूर शायरों की चीजें छपती हैं, किसी नौ सिखिए की बकवास नहीं। तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे। माता जी, बाप की जगह बाप तो कौम के साथ गई, माँ बाप तो हमने तो नहीं कहा था ऐसी निखट्टू औलाद पैदा करे। Thank you.
जलसे की खबर पढ़ी तुमने? अरे भाई मैं तो उसे जानता भी था, ना जाने बेचारे पे क्या मजबूरी थी। छोकरा चाय लाता है कि नहीं? नौजवान शायर की दर्दनाक मौत। रात बर्दवान पैसेंजर के नीचे आकर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। लाश इस बुरी तरह से कट चुकी थी कि शक्ल पहचानना भी नामुमकिन हो गया। उस नौजवान की जेब में एक खत पाया गया जिसमें वो एक नज़म अपना आखिरी पैगाम की सूरत में दुनिया के लिए छोड़ गया। शायर का नाम विजय था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है डियर? गुलाबो, क्या बात है सत्तर भाई? इन्हें अंदर भेज दो। जाओ। कौन है आप? गुलाब, कहां से आई हो? सोना, धर्मतले से। वो नज्मों की फाइल दो। आप जानते हैं कि नज्मों की कॉपी है? तब तो आप ये भी जानते होंगे कितनी अच्छी नज्में हैं। मैंने छपवाने आई हूं। तो ये नज़में तू मेरे पति को दिखाने लायी थी? इसकी क्या कीमत लोगी? आप इन्हें छपवाएंगे ना? छापूं या ना छापूं, जल्दी बताओ इनकी कीमत क्या लोगी? कीमत? मैं इनका सौदा करने नहीं आई हूं, इन्हें छपवाने लाई हूं। ये नज़में तुम्हें बहुत प्यारी है ना? तुम विजय को कैसे जानती थी? उससे तुम्हारा क्या रिश्ता था? रिश्ता? मैं ये जानना चाहती थी कि उस जैसे भले आदमी से आप जैसी शरीफ औरत की जान पहचान कैसे हुई? सौभाग्य, दौलत के लिए तुम बहुत कुछ बेचती हो, फिर ये नज़्में बेचने से तुम इतना इनकार क्यों? आप मीना है ना? देखो मेरे पास वक्त बहुत कम है, अभी भी मेरे पति आ जाएंगे, उससे पहले तुम्हें ये नज़्में बेचनी ही पड़ेंगी। नहीं, मैं तुम्हें हजार दूंगी, 2000 दूंगी, मैं 1000 दूंगी, 30000 दे। ये क्या? कुछ नहीं। दिखाओ दिखाओ। Thank you.
मीना के नाम, जिसकी याद इन नज़मों के हर लफ्ज में बसी हुई है। मैं इन्हें छपवाने के लिए लाई थी। ये सब क्या है? मेरी जिंदगी की सारी पूंजी है ये, इन्हें छपवाने की कीमत मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकती। इनका छपना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन्हें छाप दें तो मैं उम्र भर आपका एहसान मानूंगी। नहीं डॉक्टर, कुछ पता चला बेड नंबर 8 का पेशेंट कौन है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, जब से आया कुछ बोलता ही नहीं, गुमसुम सा पड़ा रहता है। देखिए हेलो, कैसी तबीयत है आज? ये जब भी कुछ बात करे मुझे फौरन इतना कर देना। यस डॉक्टर। मैं कहता हूं कि इनके ज्यादा से ज्यादा 5,000 दे सकता हूं। ये विजय की नजमें सही, लेकिन कीमत भी तो कुछ कम नहीं। घोष बाबू, कुछ लेन देन की बातें कीजिए, मलाई मलाई तो आप चट कर दें और तल चट हमारे लिए। तो फिर आप फरमाइए कि आप कितने में बेचेंगे, लेकिन जरा तमीज से। हजूर, भला कुबेर का खजाना भी बिका है कहीं? ये जान लीजिए कि ये विजय की नजमें हैं, उसकी अछूती नजमें हैं और आखिरी नजमें। मुनाफे में आधा हिस्सा लूंगा। इम्पॉसिबल, इतना बड़ा हिस्सा मैं नहीं दे सकता। तब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आधा बरस। ठहरिए, अजीब आदमी हैं आप। खैर, आखिरी बात सुन लीजिए, मुनाफे का चौथाई हिस्सा दूंगा। अब अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। चलिए, आप भी क्या सोचेंगे कि शाम से एक ही तो तुक की बात कही और वो भी खा ली गई। ये लीजिए और लाइए हाथ। परछाइयां उभरती हैं, मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंख मसर्रत से छुपती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, जबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है। ख्याल ख्वाब की परछाइयाँ उभरती हैं, मेरे गले में तुम्हारी गुदास बाहें हैं, तुम्हारे होंठों पे मेरे लबों के साए हैं। तुम्हें यकीन कि हम अब कभी न बिछड़ेंगे, मुझे गुमान कि हम मिलके भी पराए हैं।
ख्यालों का आपकी परछाइयां उभरती हैं। परछाइयां? डॉक्टर, डॉक्टर! मेरी नजमें, सब के सब मेरी नजमें, ये मेरी किताब है। जी हाँ, आप ही की किताब है, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम? मैं विजय हूँ। ये देखिए, ये किताब मेरी लिखी हुई है। अजी साहब, जिस विजय ने ये किताब लिखी है वो न जाने कब का मर चुका। अच्छी तरह से याद कीजिए, क्या नाम है आपका? आप लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं विजय हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मैं विजय हूँ। मुझे यहां कहां रख छोड़ा? जाने दो मुझे, जाने दो। डॉक्टर, मेरा ख्याल है बेचारे का दिमाग कुछ। डॉक्टर सैन को फौरन टेलीफोन कर दो। सर, सर, प्लीज सर। यस। तो आप लोग विजय के भाई हैं? जी हाँ, हम दोनों विजय से बड़े हैं। और मैं इससे भी बड़ा हूँ। आप लोगों को मुझसे कुछ काम है? ये बता दो ना भैया। मैं बताऊं? अच्छा, नहीं तो बता। मैंने पूछा कि आप लोगों को मुझसे कुछ काम है? जी, बात कुछ यूं है कि मैंने विजय को पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, बड़े प्यार से रखा उसे, इस काबिल बनाया कि वो नाम पैदा कर सके। मैंने भी। मेरे पास वक्त कम है, मतलब की बात करो। मतलब की बात तो ये है कि हम लोग आपके पास से कुछ रुपया वसूल करने के लिए आए थे। What nonsense! आप लोगों का दिमाग तो ठीक है? जी, वो विजय के बाद उसके हर चीज के वारिस हम ही लोग हैं। उसके गीतों और नज्मों के, और उन गीतों और नज्मों से जो फायदा आप लोगों को हो रहा है वो कानूनन हम लोगों को होना चाहिए। हम पूरा मुनाफा तो नहीं मांगते, उसमें से थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो हमें कोई इतराज नहीं। जी, मैं आप लोगों को नहीं जानता, और ना ही वो नज्में मुझे आप लोगों से मिली है, इसलिए आपको एक पाई भी नहीं मिल सकती, समझे? मुनाफे में हिस्सा चाहिए। जी, लेकिन मुनाफे का असली हकदार विजय जिंदा है। विजय जिंदा है। विजय जिंदा? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं जानता, लेकिन बहरहाल आप लोगों को मुनाफे में कुछ हिस्सा मिल सकता है, यानी रुपए में 2 पैसे, लेकिन वो भी सिर्फ एक शर्त पर, कि आपको विजय को पहचानने से इनकार करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं आप?
क्या हम अपने सगे भाई को नहीं पहचाने? क्या हम इतने कमीने हैं? क्या आपने हमें जलील समझा है क्या कि दो पैसे के लिए हम अपने भाई को ना पहचाने? कम से कम एकाना तो कर दीजिए। यू स्काउंडरल। अच्छा अच्छा बड़ा घोष बाबू खूब भालो मारा। मालिश मालिश चंपे मालिश तेल मालिश चंपे मालिश तेल मालिश सर चले जलाल तू साहिबे कमाल तू आई वाला को डाल तू चले जलाल तू साहिबे कमाल तू आई वाला को डाल तू चले जलाल तू साहिबे कमाल तू आई वाला को डाल तू चल गई सत्तार गला छोड़ भाई गला सत्तार का नहीं है मैं हूँ विजय विजय तू मरा नहीं अभी तक अरे ये तो वो कैसे जिंदा है सत्तार मुझे जबरदस्ती बंद कर रखा है यहाँ अच्छा क्या चाहिए आपके सर पे हाथ फिराना चाहता हूँ इजाजत हो तो मालिश चंपे सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए मालिश तेल मालिश सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए भैया 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 आपने मुझे नहीं पहचाना मैं विजय हूं आपका भाई आप चुप क्यों हैं क्या आप भी नहीं पहचानना चाहते पागल तो नहीं हो गए हो विजय तो कब का मर चुका मान ना मान मैं तेरा मेहमान हमारा भाई बनता तुम्हें शर्म नहीं आती तुम हमारे कहाँ के भाई हो चलो निकलो निकलो यहां से जल्दी निकलो
लोग तो जानते हैं कि शायर आजम विजय मरहूम की बरसी बनाने हम लोग यहां जमा हुए। पिछले साल इसी दिन वो मनहूस घड़ी आई थी जिसने दुनिया से इतना बड़ा शायर छीन लिया। अगर हो सकता तो मैं अपनी सारी दौलत लुटा कर भी, खुद मिट कर भी विजय को बचा लेता, लेकिन ऐसा ना हो सकता। क्यों? आप लोगों की वजह से। कहने को तो दुनिया कहती है कि विजय ने अपनी जान ली, लेकिन दरअसल आप लोगों ने उसकी जान ली। काश आज विजय महरूम जिंदा होते तो वो देख लेते कि जिस समाज ने उन्हें भूखा मारा, आज वही समाज उन्हें हीरे और जवाहरात में तोड़ने के लिए तैयार है। जिस दुनिया में वो गुमनाम रहे, आज वही दुनिया उन्हें अपने दिलों के तख्त पे बिठाना चाहती है, उन्हें शोहरत का ताज पहनाना चाहती है, उन्हें गरीबी और मुफलिसी की गलियों से निकालकर मोहल्लों में राज कराना चाहती है। ये इंसान के दुश्मन समाज की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाज की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बद हवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवान जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है,
वफा कुछ नहीं दोस्ती कुछ नहीं है जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है साबित नहीं होना चाहिए कि ये वजह असली वजह है वरना हमारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी हम कहीं के नहीं रहेंगे आप अपनी खैर मनाइए हुजूर बंदा तो अपना काम यूं बना लेगा तुम्हारा मतलब ओ, तुम समझते हो कि तुम आसानी से अपनी जान छुड़ा सकते हो पर ये ना भूलो कि तुमने भी पागलखाने में उसके खिलाफ बयान दिया था हवा का रुख देखकर बात करते हैं अपन जब आपका पल्ला भारी था तो आपके साथ थे अब विजय का पल्ला भारी है तो उसके साथ जाएंगे यू स्काउंडल गेट आउट आदाबर सर आदाबर सर आई सेड गेट आउट क्यों शेख साहब सट्टा बाजार में कोई नंबर लग गया है क्या अभी नहीं चोरत के बाजार का बादशाह हाथ आ गया है विजय मेरी मुट्ठी में है उसकी नजमें छापूंगा और लाखों कमाऊंगा बहुत अच्छा भाई मान गए शेख जी खूब मुर्गा फंसा है आपने लेकिन क्या आप उसे अकेले हजम कर सकेंगे बांट के खाना होगा आए? आए, कमबख्तो हुक्के जैसा मुंह फैलाए तुम लोग क्या देखते हो जाओ भागना से जाओ भागो जाता कि नहीं जा जनाब निहायत ही बेहुदा किस्म के इंसान है आप आपकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है चाहूं तो आपके मुर्गे को पहचान कर विजय बना दूं और चाहूं तो उसे ना पहचान कर पागल खाने का टिकट कटवा दूं अजी हाँ आपके बाबा का राज है जिसे चाहे पागल खाने भिजवा दें आप ना पहचानेंगे उसे तो क्या उसके भाई भी ना पहचानेंगे क्यों ना पहचानेंगे जरूर पहचानेंगे
आखिर भाई जो ठहरे उसने भले ही हमारी परवाह न की हो, उसकी नज़मों से भले ही दूसरों को फायदा हुआ हो, फिर भी हमारा ही खून है ना। फीन क्यों नहीं पहचानेंगे? शाबाश, मुंह तोड़ जवाब दिया है आपने इस मसखरे को। देखा मियां, भाई फिर भी भाई हैं। जी उसके लिखाई पढ़ाई पर 5,000 रुपए खर्च किए हैं, हिलाई पिलाई पर 4,000, ये 9,000 रुपया ब्याज पर देते तो 15,000 रुपए खड़े करते। उसे पहचानने की कीमत 15,000 दोगे? जी 15,000। जी 15,000। साहबान, आप लोगों को जीता जागता अनमोल भाई मिल रहा है, और आप लोगों को क्या चाहिए? बैनिया, हमें भाई भाई नहीं रुपया चाहिए, रुपया। उस भाई का अचार डालेंगे क्या? विजय, विजय, विजय मेरा भाई। सबूत मैं भी हूँ, विजय मेरे बचपन का दोस्त था, और मैं कहता हूँ कि यही विजय है। इस शायर आजम विजय जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर साहिबान, जिस विजय को आज आप हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं, जिस विजय के नाम पे आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मैं वो विजय नहीं हूं। विजय? मैं विजय नहीं हूं। तुम विजय नहीं तो अभी तक हमें धोखे में क्यों रखा? भाइयों, मैं पहले ही कहता था ये कोई ढोंगी है। मुफ्त की पब्लिसिटी चाहता है। आए थे, तुम
तुम जाके उन्हें समझाते क्यों नहीं? मैं वो विजय नहीं, वो तो तब का मर चुका। क्या कह रहे हो तुम? होश में आओ विजय, तुम्हारे भाई शेख जी, तुम्हारा दोस्त सब कहते हैं कि तुम वही विजय हो। दोस्त? ये लोग मेरे दोस्त नहीं, ये सब दौलत के दोस्त हैं। कल तक जो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे, वो आज उन तीन चार लोगों से बदला लेने के लिए तुम अपने आप से बैर नहीं कर सकते विजय। दौलत, नाम और शोहरत किस तरह क्यों ठुकरा रहे हो? अगर ठुकराना ही है तो उन भाइयों को ठुकराओ, शेख जी और उस दोस्त को ठुकराओ जिनसे तुम्हें शिकायत है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना बुजदिली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूं। जूही, किसी ने मुझे पुकारा? किसी ने नहीं, सो जा। गुलाबो, इस तरह कहां जा रही है? देख तो कितना बुखार है तुझे। किसी ने पुकारा मुझे, मुझे जाने दे जूही, मुझे जाने दे। साथ चलोगे?